सहारनपुर नगर निगम टीम द्वारा जगह जगह चलाया जा रहा अतिक्रमण अभियान। सहारनपुर नगर निगम टीम द्वारा सहारनपुर में जगह जगह अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। कर्नल बी एस नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार हमने 15 दिन का शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया हुआ है। आज घंटाघर से लेकर देहरादून चौक तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। हम अलग अलग क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। जहां ज्यादा अतिक्रमण है पहले हमने वहां पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कराया ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों ने जो खंभों पर अपनी दुकान के बोर्ड लगा रखे हैं हमने उन लोगों पर जुर्माना लगाया और आगे से उन लोगों को ऐसा न करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जिन लोगों ने गाड़ियां सड़क पर पार्क की हुई है उन गाड़ियों का ई चालान कराया। कल हम देहरादून चौक से लेकर जिला हॉस्पिटल चौक तक अतिक्रमण अभियान चलाएंगे। हमारा यह अतिक्रमण अभियान आगे भी जगह जगह चलता रहेगा। मंडल ब्यूरो सहारनपुर हैदर अंसारी की रिपोर्ट, टीवी इंडिया एटीए। हमारे नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार प्रतिदिन हमने 15 दिन का प्रोग्राम लगा रखा है कार्य दिवस का, और उसमें जो मेन मेन अभी रोड है जिसके कारण कि आने जाने में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे ट्रैफिक के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने अभी पहली प्रायोरिटी में वरीयता इसको दी है, वहाँ पे हमारा अतिक्रमण अभियान चल रहा है। और आज इसी क्रम में क्लॉक टावर घंटाघर से देहरादून चौक तक हमने अतिक्रमण का अभियान चलाया है। साथ साथ में हमारे अतिक्रमण अभियान के साथ साथ में ट्रैफिक पुलिस के भी हमारे पास में इंस्पेक्टर्स हैं, जो अगर गाड़ी अनऑथराइज पार्क है उसको ई चालान किया जा रहा है, और विज्ञापन विभाग से जो भी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन बोर्ड अनधिकृत लगे हुए सड़क पे या रोड पे या कहीं पे भी रोड साइंस कहीं पे लगे हैं उसको निकालने के लिए हमारे पास में लाइट विभाग से गाड़ी है, और साथ साथ में हमारे TS साहिब सिंह हमारे साथ में हैं जो कि विज्ञापन के प्रभारी हैं पूरे शहर के लिए। कुछ मार्ग हैं जैसे कि बाजोरिया मार्ग जहाँ अति व्यस्त एरिया है और वहाँ पर काफी बाजोरिया की स्थिति रहती है। बाजोरिया प्रोग्राम हमने कल जो है देहरादून चौक से जिला अस्पताल तक के लिए हमने लगाया है, और समय मिलेगा तो हम डीएम आवास तक भी प्रोग्राम को रखेंगे। अभी उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। भविष्य में ये कार्रवाई इसी तरह सुचारू रूप से जारी रहे दोबारा भैया, ये किसी न किसी रूप में हमारा अलग अलग क्षेत्रों में ये लगातार जारी रहेगी जब तक कि आम जनता ये न सोच ले कि हमें एक नागरिक का दायित्व निभाना है और सड़क पे अनावश्यक अतिक्रमण नहीं करना।